हेलो दोस्तों, आज हम एमएड के सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, जो एमएड का कोर्स स्ट्रक्चर है 2 इयर्स प्रोग्राम का, वो कुछ 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड है। ओके, यानी कि पर्सपेक्टिव्स कोर्स, स्पेशलाइजेशन ऑप्शनल और प्रैक्टिकम एंड रिसर्च, यानी 4 कैटेगरीज में ये डिवाइड है। ओके, इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम एमएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। एमएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें आपके जो मेन पेपर हैं वो आपके 6 हैं और एक आपका स्पेशलाइजेशन वाला पेपर है। तो पहले पढ़ते हैं कोर कोर्सेज में। फर्स्ट पेपर है आपका फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसमें जो कि आपके टोटल मार्क्स 100 का होगा ये पेपर, और इसमें एक्सटर्नल 80 नंबर का और इंटरनल 20 मार्क्स का। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ये सेकंड पेपर है। इसमें भी एक्सटर्नल जो मार्क्स होंगे वो 80 नंबर का होगा और इंटरनल 20 का, यानी टोटल 100। नेक्स्ट इंट्रोडक्टरी मेथड्स इन एजुकेशनल रिसर्च, ये भी आपका टोटल 100 का होगा, इसमें 80 नंबर जो है एक्सटर्नल का और 20 इंटरनल। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ये आपका जो टोटल मार्क्स का पेपर होगा वो होगा 50 का, जिसमें 40 नंबर एक्सटर्नल के और 10 नंबर इंटरनल के। ओके, नेक्स्ट है एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, ये भी आपके 50 मार्क्स का है, 40 एक्सटर्नल और 10 इंटरनल। नेक्स्ट है एडवांस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये भी 50 मार्क्स का है, 40 एक्सटर्नल नंबर और इंटरनल 10 मार्क्स का होगा। ओके, अब है स्पेशलाइजेशन, इसमें क्या है आपका, कोई भी एक आपको चूज करना है। करिकुलम डेवलपमेंट या पेडागोजी एंड असिस्टमेंट या ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यू एजुकेशन। ओके, फिर है प्रैक्टिकम वर्क, इसमें आपको स्कूल ऑब्जर्वेशन होगा जो कि आपके इंटरनल 25 का, टोटल 25 मार्क्स का। फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज जो है वो है इसमें 25 इंटरनल और 25 टोटल। सेल्फ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये ग्रेड पर आधारित है, इसमें एक्सीलेंट पर ए ग्रेड मिलेगा, वेरी गुड पर बी, गुड पर सी और सेटिस्फैक्ट्री पर डी और अनसेटिस्फैक्ट्री पर ई। नेक्स्ट रिसर्च, ये है प्रिपरेशन ऑफ सिनॉप्सिस, इसमें एक सिनॉप्सिस बनेगी जो कि 50 मार्क्स की होगी। ओके, टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे आपके एक्सटर्नल वो हो जाएंगे 400 और इंटरनल होंगे 200, टोटल हो जाएगा आपका यानी 600। फर्स्ट ईयर एमएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, जो पूरा टोटल मार्किंग है वो है 600 की। अब है सेकेंड ईयर का पेपर सिलेबस। सेकेंड ईयर में भी देखिए, इसमें भी 6 पेपर होंगे जो कोर कोर्सेज से हैं और स्पेशलाइजेशन इसमें 1 होगा, यानी एक चूज करना होगा आपको ऑप्शनल में। फर्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ये भी 100 मार्क्स का होगा टोटल, इसमें 80 एक्सटर्नल और 20 इंटरनल। नेक्स्ट एडवांस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये भी 100 का है। एडवांस मेथड इन एजुकेशनल रिसर्च, ये भी 100 के, यानी ऊपर के जो 3 पेपर हैं वो आपके 100 मार्क्स के होंगे और 80 मार्क्स के एक्सटर्नल और 20 मार्क्स के इंटरनल। नेक्स्ट है एडवांस एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, ये आपका 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 40 का आपका एक्सटर्नल और 10 आपका इंटरनल का। ICT एंड ई लर्निंग, ये भी 50 मार्क्स का है। टीचर एजुकेशन एंड इंडियन ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, ये भी 50 मार्क्स का है। स्पेशलाइजेशन में कोई भी आपको एक चूज करना है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसका प्रैक्टिकम वर्क है, इंटर्नशिप होगी इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। ओके, जिस संस्था से आप एमिट करें वहाँ पर आपकी इंटर्नशिप होगी, 25 इंटरनल और 25 टोटल। फील्ड बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टूल्स, ये भी आपके 25 मार्क्स का है। सेमिनार एंड वर्कशॉप होगी जो कि आपकी 50 की है। ओके, रिसर्च में क्या होगा आपका, डिजर्टेशन एंड बायोवाइस,
यानी जो एक्सटर्नल होगा वो आपका 80 मार्क्स है और जो इंटरनल होगा वो 20 मार्क्स है, टोटल 100 मार्क्स। अब जो आपके टोटल हो गया एक्सटर्नल 480 का और इंटरनल हो गया 220 का, यानी टोटल 700, तो आपका जो टोटल सेकेंड ईयर में आएगा वो 700 का होगा और जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दोनों का टोटल जोड़ करके आपका 1300 होगा। ओके, ये सेकेंड ईयर का सिलेबस है एमएड का। अब एमएड फर्स्ट ईयर का हम देख लेते हैं सिलेबस क्या है। पेपर फर्स्ट में फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन जो कि 100 मार्क्स का है, इसका इसके कंटेंट्स देखते हैं। यूनिट फर्स्ट, इसमें देखिए हर पेपर में आपके 5 यूनिट होंगी। यूनिट फर्स्ट में इसमें है, फर्स्ट पेपर में एजुकेशन एंड फिलोसफी, इसमें आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी एंड एजुकेशन, यानी फिलोसफी और एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन की रिलेशनशिप बतानी है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, स्कोप ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, फंक्शंस ऑफ पब्लिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, यानी जो फर्स्ट पेपर है वो पूरा फिलोसफी पर आधारित है। सेकेंड यूनिट है वेस्टर्न एजुकेशनल फिलोसफीज, थॉट्स एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस रिवील्ड बाई वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक आएंगे, आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, रियलिज्म, वास्तविकवाद, प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद, ह्यूमनिज्म, मानववाद, एक्सटर्नलिज्म यानी यथार्थवाद, लॉजिकल पॉजिटिव यानी तर्कवाद। ओके, इस तरीके के ये सारे वेस्टर्न स्कूल्स हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल थॉट्स ऑफ वेस्टर्न थिंकर्स। अब यहाँ पर क्या आ गए, थिंकर्स आ गए, प्लेटो हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, जॉन डीवी हैं और रूसो। यूनिट फोर्थ में आपके इंडियन एजुकेशनल फिलोसफी है, थॉट्स एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन रिवील्ड बाय इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, यानी सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, वेदांत दर्शन है, एजुकेशनल सपोजिशन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म यानी महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के बारे में। यूनिट फिफ्थ में एजुकेशनल थॉट्स ऑफ इंडियन थिंकर, यानी जो भारतीय थिंकर हैं उनके थॉट्स जाने हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, सर अरविंदो हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और जे कृष्णमूर्ति। अब देखिए यहाँ पर नीचे है प्रैक्टिकम वर्क यानी टू, यानी यहाँ पर आपको कोई भी दो असाइनमेंट तैयार करने हैं, प्रैक्टिकम वर्क तैयार करने हैं। ओके, नेक्स्ट पेपर है सेकेंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ये भी 100 मार्क्स का होना है। इसका कंटेंट देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी फेसिस ऑफ एजुकेशन, इसमें आ जाएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान, कॉन्सेप्ट, कंसर्न, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मेजर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, इसमें स्ट्रक्चरलिज्म, एसोसिएशनिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट, साइको एनालिटिक, ह्यूमनिस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिव। यूनिट सेकंड में है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स थ्योरीज, चाइल्ड डेवलपमेंट में आएगा आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, सिक्वेंशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ईच स्टेज, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, जेनेटिक, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड फिजिकल एंड देयर रिलेटिव रोल। थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की जो थ्योरीज हैं वो पियाजे की है, फ्रायड की है, एरिक्सन की है और कोहलबर्ग की है। यानी पियाजे की कौन सी थ्योरी है, कॉग्निटिव, और फ्रायड की साइको सेक्सुअल, और एरिक्सन की साइको सोशल, और कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट। लर्निंग यूनिट थर्ड में आता है आपका लर्निंग, लर्निंग का कॉन्सेप्ट, इट्स काइंड, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग में ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी स्किनर ने लिखा है, ये सीखने के नियम है, हर्ची ऑफ लर्निंग गैनिन है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डोनाल्ड नॉर्मन, मास्टरी लर्निंग ब्लूम, हल्स रेनफोर्समेंट थ्योरी यानी हल्का प्रबलन सिद्धांत, टॉलमैन की थ्योरी है, लेविंस की थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, लर्निंग ब्रेन वेव्स लर्निंग, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ अबव थ्योरीज ऑफ लर्निंग। यूनिट फोर्थ में आपका आता है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज, नेचर एंड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, गिलफोर्ड का एसआई मॉडल है,
हॉवर्ड गार्डनर का थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस वर्बल नॉन वर्बल पेपर पेंसिल परफॉर्मेंस इंडिविजुअल एंड ग्रुप। नेक्स्ट है इमोशनल। इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट एंड नेचर गोलमैन की थ्योरी है ये। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ट्रायरिक थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग की है ये त्रिवर्ग की। यूनिट फिफ्थ में है मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी यानी कोरिलेट्स ऑफ लर्निंग मैचुरेशन एप्टीट्यूड एटीट्यूड एबिलिटीज यानी कि मनोवृत्ति। मोटिवेशन में कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में मैस्लो की है ये हर्ज़बर्ग की है। रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग क्रिएटिविटी में नेचर प्रोसेसेस आइडेंटिफिकेशन फॉस्टरिंग एंड गाइडिंग क्रिएटिव चिल्ड्रन टेक्निक्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी ब्रेन स्टॉर्मिंग है ट्रिब्यूट है लिसनिंग है। इसमें भी आपको कोई दो प्रैक्टिकम वर्क करने हैं। ठीक पेपर थर्ड में देखिए इंट्रोडक्टरी मेथड्स इन एजुकेशनल रिसर्च ये भी 100 मार्क्स का होना है। इसका कंटेंट देखते हैं यूनिट फर्स्ट में एन इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। इसमें आएगा सोर्सेज ऑफ नॉलेज साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इट्स नीड एंड स्कोप टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च बेसिक अप्लाइड क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव देयर करेक्टरिस्टिक्स रिसर्च पैराडिज्म पॉजिटिविज्म एंड एंटी पॉजिटिविज्म इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू एजुकेशनल रिसर्च हर्डल्स इन एजुकेशनल रिसर्च प्रायोरिटी एरियाज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन इंडिया। यूनिट सेकंड में देखते हैं स्टेप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम सोर्सेज क्राइटेरिया सिलेक्शन डेफिनेशन रिव्यू ऑफ लिटरेचर में सोर्सेज क्रिटिकल एवलेशन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस फाइनलाइजेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन वेरिएबल्स सैम्पलिंग कलेक्शन ऑफ डेटा टूल्स एंड टेक्निक्स एनालिसिस ऑफ डेटा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट ऑफ रिजल्ट्स। यूनिट थर्ड में सैम्पलिंग आएगा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैम्पल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैम्पल मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी एरर्स इन सैम्पलिंग। यूनिट फोर द टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च टूल स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग अ गुड रिसर्च टूल टाइप ऑफ रिसर्च टूल्स एंड देयर यूज क्वेश्चनार शेड्यूल इंटरव्यू रेटिंग स्केल इन्वेंट्री फील्ड नोट्स ऑब्जर्वेशन टेस्ट स्कोर कार्ड चेकलिस्ट सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स। यूनिट फिफ्थ में एन इंट्रोडक्शन टू बेसिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यानी इसमें आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टाइप्स ऑफ डेटा नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल एंड रेशियो डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेन मीडियन मोड मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी रेंज क्वार्टाइल डिवीशन स्टैंडर्ड डिवीशन मेजर ऑफ रिलेटिव पोजीशन परसेंटाइल परसेंटाइल रैंक स्टैंडर्ड स्कोर्स जेड और टी टेस्ट। इसमें भी आपको कोई दो प्रैक्टिकम वर्क करने हैं यानी असाइनमेंट के तरीके से लिखने हैं जैसे असाइनमेंट करते हैं उसी तरीके से इन्हीं किसी दो टॉपिक पर हम प्रैक्टिकम वर्क लिखेंगे। नेक्स्ट हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। इसमें है यूनिट फर्स्ट में डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन 21st सेंचुरी। यूनिट सेकंड में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन यानी डेमोक्रेसी मीनिंग वैल्यूज सेलिंग फीचर्स डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन इन इंडिया मीन्स एंड मेजर्स फॉर प्रमोटिंग इक्वलिटी एंड इक्विटी फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यूनिट थर्ड में आपका आएगा रिव्यू ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल प्लान्स एंड पॉलिसीज NPE 1986 रिवाइज्ड NPE 1992 प्लान ऑफ एक्शन 1992 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 नेशनल करिकुलम नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू एजुकेशन 2009 यशपाल कमेटी रिनोवेशन एंड रिजुवेनेशन ऑफ हायर एजुकेशन 2009। यूनिट फोर्थ में देखते हैं चेंजिंग एजुकेशनल पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स विद रेफरेंस टू द फोकस ऑन लाइब्रेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन
विथ रेफरेंस टू क्षेत्रीय उच्चतर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमसा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी। यूनिट फिफ्थ में इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इन सार्क कंट्रीज, एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, रोल ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज, UNDP, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ। इसमें कोई आपको एक प्रैक्टिकम वर्क करना है। नेक्स्ट है पेपर फिफ्थ, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। ये 50 मार्क्स का है। इसकी यूनिट देखते हैं, बेसिक ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, रिलीवेंस, फंक्शन एंड स्कोप, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, नॉन रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड मेजरमेंट, लिमिटेशन ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट। यूनिट सेकंड में इवोल्यूशन प्रोसेस, इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड करेक्टरिस्टिक्स, रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ इवोल्यूशन, स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव मॉडल्स एंड एजुकेशनल इवोल्यूशन यानी 3D मॉडल आएगा, टोटल मॉडल एंड इंडिविजुअल जजमेंट मॉडल। यूनिट थर्ड में आएगा डिफाइनिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, नीड ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड ऑफ स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव, इनर रिलेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंसिस, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड रोल ऑफ मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, ब्लूम की टैक्सोनॉमी, कॉग्निटिव, कॉनेक्टिव एंड अफेक्टिव डोमेन्स। यूनिट फोर्थ में टूल्स ऑफ मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, नेचर, पर्पज एंड टाइप्स, फिजिकल, एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल, क्वेश्चनर्स, स्केल्स, शेड्यूल्स एंड इन्वेंट्रीज। यूनिट फिफ्थ एंड डेवलपमेंट इन इवोल्यूशन, ग्रेडिंग एंड सेमेस्टर सिस्टम, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम, क्वेश्चन बैंक, यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन। इसमें कोई एक प्रैक्टिकम वर्क करना है आपको। पेपर सिक्स, एडवांस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये भी 50 मार्क्स का है। इसमें यूनिट फर्स्ट में देखते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट, स्कोप, सिग्निफिकेंस, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। अप्रोच है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, साइबरनेटिक्स एंड सिस्टम्स। मॉडलिटीज में ऑफ टीचिंग, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडॉक्ट्रिनेशंस, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। यूनिट सेकेंड में कम्युनिकेशन एंड टीचिंग लर्निंग, कम्युनिकेशन प्रोसेस, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू मास मीडिया एंड एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ टास्क एनालिसिस। यूनिट थर्ड में मॉडल ऑफ टीचिंग एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ET, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, मीनिंग एंड फंक्शन, मॉडल, मॉडर्न मॉडल्स ऑफ टीचिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, तवा, वर्नर, ब्रूनर, आसूवेल, लेबोरेटरी टीचिंग मॉडल, जुरिप्रूडिशियल मॉडल, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग सिस्टम। यूनिट फोर्थ में आता है डेवलपिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और इन टाइप्स, लीनियर, ब्रांचिंग, मैथेटिक्स, डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, कैलर्स प्लान, मास्टरी लर्निंग, ग्रुप इंस्ट्रक्शन। यूनिट फिफ्थ में है मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर एंड इंट्रैक्शन एनालिसिस, मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेशन एंड टीम टीचिंग, फ्लेंटर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस टीचिंग, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, लेक्चर, डिस्कशन, सेमिनार, ट्यूटोरियल्स। इसमें कोई आपको एक प्रैक्टिकम वर्क करना है। यह आपका आ गया स्पेशलाइजेशन, यानी इसमें से तीन पेपर में कोई आपको एक सिलेक्ट करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये भी 50 मार्क्स का है। इसकी यूनिट फर्स्ट देख लेती है करिकुलम डेवलपमेंट में, यूनिट फर्स्ट में देखते हैं नेचर, टाइप्स एंड डोमेन्स ऑफ करिकुलम, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ करिकुलम, बेसिस ऑफ डिटर्मिनेट्स ऑफ करिकुलम, फिलोसफिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल, टाइप्स ऑफ करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्स, कम्युनिटी सेंटर्ड, एक्टिविटी बेस्ड, ब्रॉड फील्ड करिकुलम एंड कोर करिकुलम, ह्यूमनिस्टिक करिकुलम, करेक्टरिस्टिक्स, पर्पज, रोल ऑफ द टीचर, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमनिस्टिक करिकुलम, डोमेन्स ऑफ करिकुलम, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यूनिट सेकेंड में थियोरीज, मॉडल्स एंड एवोल्यूशन ऑफ करिकुलम, थियोरीज में आपकी निकोल्स एंड निकोल्स 1972 मॉडल है, मिलकर डायनामिक है मॉडल, नीड असेसमेंट मॉडल है, फ्यूचरिस्टिक मॉडल है,
करिकुलम एवोल्यूशन में नेचर एंड नीड अप्रोच टू करिकुलम एवोल्यूशन फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मॉडल में है मैकफर्सन माइकल एवोल्यूशन मॉडल एंड प्रूफ्स डिस्पेंसरी मॉडल। यूनिट थर्ड में प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट में कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम प्लानिंग में प्रोसीजर टेक्निक्स एंड लेवल्स ऑफ करिकुलम प्लानिंग, ग्रास रूट लेवल प्लानिंग इशूज इन करिकुलम प्लानिंग, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। यूनिट फोर्थ में करिकुलम डेवलपमेंट इन इंडिया NCERT 2005 NCERT 2009 रोल ऑफ UGC NCERT SCERT इन करिकुलम डेवलपमेंट, NCTE गाइडलाइंस फॉर डिफरेंट कोर्सेज BEd MEd 2014। यूनिट फिफ्थ में है इशूज एंड ट्रेंड्स इन करिकुलर डेवलपमेंट सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलर, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड थ्रस्ट एरियाज ऑफ रिसर्च इन करिकुलम स्टडीज, नेशनल इंटरनेशनल परस्पेक्टिव्स, करिकुलम फॉर डिस्टेंस मोर डिस्टिंक्ट फीचर, सेल्फ लर्निंग मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। इसमें कोई आपको एक प्रैक्टिकम वर्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पेडोगॉजी एंड असेसमेंट, ये भी 50 मार्क्स है, यानी इनमें से आपको कोई एक चूज करना है। यूनिट फर्स्ट है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पेडोगॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ पेडोगॉजी, डिफरेंस बिटवीन पेडोगॉजी एंड एंड्रोगॉजी, अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडोगॉजी। यूनिट सेकंड में सिलेक्टिव पेडोगॉजी में प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फॉर्म्स ऑफ लर्नर्स एंगेजमेंट, पेडोगॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट कंटेंट, क्रिटिकल पेडोगॉजी, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पेडोगॉजी प्रिस्क्राइब्ड इन द एजुकेशनल थॉट्स ऑफ पॉल फ्रायर। यूनिट थर्ड में असेसमेंट एंड टीचिंग लर्निंग कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट टेस्टिंग एंड मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, पर्सपेक्टिव ऑन असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन अ कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम, फॉर्मल असेसमेंट, क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक, यानी इसको CET बोलते हैं, असेसमेंट ऑफ टीचिंग प्रोफिशिएंसी क्राइटेरियन टूल एंड टेक्निक। यूनिट फोर्थ में टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट्स, बाय टीचर पीयर असेसमेंट, असेसमेंट्स ऑफ टीचर ऑफ बाय स्टूडेंट्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड डायनामिक असेसमेंट प्रोसीजर्स, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन पर्सपेक्टिव्स एंड प्रैक्टिस। असेसमेंट टूल्स एंड रोल ऑफ फीडबैक, असेसमेंट टूल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शंस ऑफ असेसमेंट टूल, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, कॉन्सेप्ट फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ CBCES, असेसमेंट टूल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शंस ऑफ असेसमेंट टूल्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ CBCES, टाइप्स ऑफ टीचर फीडबैक, रिटन कमेंट, ओरल पीयर फीडबैक, प्लेस ऑफ मार्क्स, ग्रेड्स एंड क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शंस, यूजिंग असेसमेंट फीडबैक फॉर फर्दरिंग लर्निंग, यानी इसमें कोई एक प्रैक्टिकम वर्क करना है। पेपर से ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यू एजुकेशन, ये भी 50 मार्क्स का है। इसमें यूनिट फर्स्ट देखिए कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट। यूनिट सेकंड में ह्यूमन राइट्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, ह्यूमन राइट्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ इट्स वायलेशंस, स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, ह्यूमन राइट्स, पीस, नॉन वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोविजंस एंड वायलेशंस, एजेंसीज फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग UN, सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, NGOs। यूनिट थर्ड में रोल ऑफ टीचर इन ह्यूमन राइट एजुकेशन, ह्यूमन राइट एजुकेशन, ह्यूमन राइट टीचिंग एट स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल, टीचिंग एंड ट्रेनिंग फॉर ह्यूमन राइट एजुकेशन लेवल, रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ वैल्यूज, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ वैल्यूज में टाइप्स ऑफ वैल्यूज, इंडियन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज, वैल्यूज एंशियंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यूज फॉर प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। यूनिट ट्वेल्थ नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज, टीचिंग ट्रेनिंग एंड वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू प्रमोटेड थ्रू टेक्स्ट बुक और डिफरेंट डिसिप्लिन। इसमें भी कोई आपको एक प्रैक्टिकम वर्क करना है। ओके, ये तो रहा आपका MEd फर्स्ट ईयर का फुल सिलेबस, MEd सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस अगली वीडियो में देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।